नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। यात्रा का 38वां दिन राहुल गांधी समेत अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज बेल्लारी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्राउंड में उपस्थित हुए। ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस यात्रा में भीड़ है, और ये तमाम तस्वीरें ऊपर नीचे हर जगह देखें किस तरह से इस यात्रा में लाखों का जन सैलाब है। कई बार भगदड़ भी मच गई है, मगर उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार लाखों की संख्या में हर तरफ जो है ये भीड़ है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार भीड़ बढ़ता जा रहा है। दाएं बाएं हर तरफ राहुल गांधी को देखने के लिए और कांग्रेस के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लगातार ये किस तरह के भीड़ देख सकते हैं कि लोग चढ़े हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखते हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आते हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, और किस तरह से आज लोगों का भीड़ है लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ जो है तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है जो कि बेल्लारी में आ चुका है कर्नाटका में, और कर्नाटका में आज के बाद जो है फिर से ये आंध्रा में प्रवेश करेगा। ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में 38वें दिन में लगातार ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा है राहुल गांधी के जय जयकार, और दूसरी तरफ जो तमाम कांग्रेस के लीडर उन सब के लिए नारेबाजी हो रही है। इन तमाम तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भीड़ है, किस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं लाखों की संख्या में, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का ये लोग जो है बैठ के इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें ये देखिए किस तरह से लोगों का भीड़ है। ये तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है अगर देखेंगे तो यहाँ सामने भी उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का उसी तरीके का भीड़ है, और ये सामने की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भीड़ दिख रहा है लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में। जहाँ तक आप देखें वहीं तक जो है नज़रें सिर्फ इस यात्रा को लेकर है, और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते ये दाएं तरफ बाएं तरफ तकरीबन कई लाख की संख्या में आज लोग इस यात्रा में इकट्ठा हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को कम सक्सेसफुल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। देखिए जहां तक नज़र जा रही है तहां तक जो है सिर्फ और सिर्फ लोग जो है राहुल गांधी के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से यहां पे सक्सेस दिया जा रहा है वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह का लोगों का जन समर्थन है। ये तमाम तस्वीरें हैं, और भारत जोड़ो यात्रा कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल यात्रा कर्नाटका में रहेगी। लगातार जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर हमलावर थे कांग्रेस के तमाम लीडर, उसी तरह भाजपा की तरफ से भी उनके ऊपर कई सारे हमले किए गए। इस यात्रा को अलग अलग दिशा दिया गया, और देखिए किस तरह से इस यात्रा में लोग जन सैलाब दिख रहा है, लगातार भीड़ दिख रहा है। तमाम तरह की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, लगातार लोग हैं, और ये हर तरफ ये चारों तरफ आप देखेंगे तो किस तरह से कई लाखों की संख्या में जो कई लाख लोगों का जन सैलाब है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, और लगातार जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर राहुल गांधी के इस यात्रा को देख रहे हैं, इस यात्रा को सुन रहे हैं, और ये तमाम तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि कितना भीड़ है, हर जगह लोग हैं। बीच में कुछ कीचड़ है, उसके बावजूद लोग उसकी परवाह किए बिना लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी और कह सकते हैं कि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। ये भीड़ देख सकते हैं कि हर तरफ राहुल गांधी के लेकर ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। हर तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों का जन सैलाब दिख रहा है, और ये किस तरह से लोग यहाँ पर इस यात्रा में इकट्ठा हुए हैं। बड़ा सा टेंट लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद जगह नहीं हो रहा है कि लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठा है, और ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है आ जा रहे हैं और लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लाखों की संख्या में भीड़, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहा है। अरे नहीं,
लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें देखिए, भारत जोड़ो यात्री है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें और आवाज आ रही है, कांग्रेस के लीडर्स लगातार अपने अपने बातें कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस यात्रा में आ रहे हैं, लगातार इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। किस तरह से लोगों का भीड़ है, किस तरह से इस यात्रा में लोग जो है अपने आप को शामिल कर रहे हैं, छतों से चढ़कर राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ, दोनों तरफ लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए यहाँ दाएँ तरफ बाएँ तरफ हर तरफ ये जो है भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह का भीड़ दिख रहा है। राहुल गांधी का 38वें दिन का ये काफिला और तकरीबन 1000 से ज़्यादा किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम, लोगों का भीड़ इस भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ दाएं तरफ बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों का काफिला है और राहुल गांधी जी का काफिला आगे चल रहा है और उसके पीछे लोग चले। ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हैं। तमाम तरह से जो है देख सकते हैं कि दाएँ मेरे भीड़ लगा पड़ा है, लोग जो है हर तरफ खड़े हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक राहुल गांधी का ये काफिला नज़र आ रहा है। लोग छतों से चढ़कर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। तमाम तरह के और कई आज जो है काफिला का 30वां दिन है। देखिए छतों से चढ़कर तिरंगा मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, लोग छतों से चढ़कर राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। और जहां तक आप नज़र देख सकते हैं वहां तक जो है भीड़ है, भीड़ है और लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ लोग छतों से चढ़कर राहुल गांधी का स्वागत के लिए यहाँ पर ऊपर खड़े हैं, नीचे देख सकते हैं कि दाहिने तरफ किस तरह से लोगों का भीड़ है राहुल गांधी के लिए और सब जो है जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। और ऊपर देखिए किस तरह से तिरंगा ध्वज फहराया जा रहा है। ये तमाम तरह की तस्वीरें, लोगों का हुजूम, काफिला बढ़ता हुआ और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से इस ये लोग जो है घरों से निकलकर राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी होकर राहुल गांधी का इंतज़ार कर रही है। और आप दूर दूर तक देख सकते हैं किस तरह से अपने अपने छतों पर, किलोमीटर्स दूर हैं मगर अपने छतों पर खड़े होकर राहुल गांधी का इंतज़ार कर रही है। तमाम तरह की तस्वीरें, काफिला बढ़ता जा रहा है, लोग काफिले से जुड़ते जा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको भारत जोड़ो यात्रा के 38वें दिन की दिखा रहे हैं। और ये काफिला जो है बेलारी शहर की तरफ चल पड़ा है, बेलारी शहर में दाखिल हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जो है भीड़ बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।